दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने जो नारकोटिक सेल है उसने जो सेंसेशनल शूटिंग की थी 25 तारीख को रात के दौरान, उसका जो एक्यूज था शाहरुख उसको अरेस्ट किया है। ये 25 तारीख को बता रहा कि प्रोटेस्ट जो थे रॉयट का, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उसका पार्ट था। तो इसने तैश में आके अपनी पिस्टल निकाल ली थी। तो जब हमारा एक हेड कॉन्स्टेबल है दहिया, वो इसकी तरफ गया था, तो उसने उसके पर भी पिस्टल तानी थी, उसके ऊपर भी फायर नहीं किया था। उसके बाद ये वहां से भाग गया था। इसकी उस वहां से उस इंसिडेंट के बाद ये अपनी गाड़ी है इसके पास, उसमें कुछ दिन दिल्ली में घूमता रहा कुछ देर, फिर ये पंजाब की तरफ चला गया, फिर ये बरेली होता हुआ शामली में पाया गया था। तो हमारे पास टेक्निकल इनपुट थे और मैनुअल इन्फॉर्मेशन थी, और ये अभी अपना ठिकाना चेंज करने वाला था शामली से। उससे पहले हमारी नारकोटिक की टीम है, ACP गुज्जा साहब हैं, इंस्पेक्टर राम मनोहर हैं, दो SI हैं इस्माइल और बरकत, उनकी टीम ने इसको जाके शामली से अरेस्ट किया है। इसको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसका PC लिया जाएगा, इसकी फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। टोटल कितना राउंड फायर किया था जिस वक्त में, और वो पिस्टल किसका था? बता रहे थे पहले कि ये पिस्टल जो है वो कंट्रीमेट नहीं था। ये पिस्टल रिकवर की कोशिश कर रहे हैं, ये मुंगेर का पिस्टल है, इसका एक साथी था जो इसकी फैक्ट्री में काम करता था। ये आदमी अपने ही घर में जुराबों की फैक्ट्री चलाता है, उसमें कोई लेबर काम करता था मुंगेर का था, उससे इसने 2 साल पहले लिया था। सर, इस तरह आके इसने फायरिंग की फायरिंग का रीजन क्या था? इसने बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये तैश में आ गया और स्पर ऑफ मूवमेंट पे इसने फायरिंग कर दी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका, क्योंकि वो अचानक से पिस्टल लेके आता है फायर कर देता है? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? इसका अपना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी नहीं मिला है। इसके पिताजी का एक केस है नारकोटिक का और फेक करेंसी का, इसका अपना रिकॉर्ड नहीं है। बाकी किस गैंग से कोई तल्लक रखता है अभी इस पर इन्वेस्टिगेट जारी है। जो इससे पता लगा है, शौक की फैक्ट्री चलाता है, मॉडलिंग का शौक रखता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है। सर, एक बार इसके गायब होने का रूट बता दीजिए, और जब वहां पर पहुंचा था क्या अकेला पहुंचा था? क्या ये जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था जाफराबाद के नीचे, क्या उस प्रोटेस्ट में शामिल होने आया था? और क्योंकि मॉब में जब दीपक दहिया के सामने खड़ा है तो पीछे और भी काफी सारे लोग इसके साथ दिख रहे हैं, क्या अकेला था या इसका गैंग था पूरा वहां पर? अभी जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन अभी कुछ पूछताछ कर पाया, क्योंकि हमने कोर्ट में भी पेश करना है इसको लेके आए वहां से, उसमें ये बताया कि अकेला ही गया था ये प्रोटेस्ट में, और वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी तो इसने फिर आके वहाँ पे गोली चलाई। वो गाड़ी कहाँ है जिसमें सर फरार हुआ था? तो मिला है कि, और ऐसा कुछ लगता है कि जिस दिन ये दंगे हुए, जिस दिन इसने फायरिंग की, उससे पहले कुछ लोगों के संपर्क में था, कुछ इस तरह की? वो हम स्टडी कर रहे हैं उस एंगल पे।